आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई रेसिपी, बादाम मिल्क शेक की रेसिपी। इसे आप एक बार घर पर जरूर बनाएं। आज हम बादाम मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं। हम देखिए एक कढ़ाई लिए हैं, इसमें हम लगभग 1 से 1.5 केजी दूध ले लिए हैं। इसको भी गर्म करते हुए थोड़ा दूध को हम गाढ़ा बनाएंगे। इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे और साइड का जो मलाई रहेगा उसको हम इस तरह से मिला मिला के बीच में डालते हैं। तब हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, तब तक मिला आप देख लीजिए पिस्ता लिए हैं, 20 पीस के लगभग पिस्ता बादाम लिए हैं। इसका हम छिलका उतार लिए हैं। अब इसे हम एक मिक्सी जार में इसे एक पेस्ट बना, इसे आप चाहे तो पानी के साथ भी पीस सकते हैं और चाहे तो दूध के साथ भी पीस सकते हैं। दूध के साथ पीस रहे हैं, इसको हम मिक्सी जार में एक पेस्ट बना, हम बादाम का एक अच्छा पेस्ट बना लिए हैं। अब इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और इधर हम एक कटोरी में लगभग आधा कटोरी के लगभग दूध लिए हैं। इसमें हम कस्टर्ड मिल्क पाउडर 2 चम्मच हम डाल के मिला लेते हैं। रस मिला लेते हैं। इस तरह से हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे भी हम साइड में रख देते हैं और फिर से हम कढ़ाई की दूध हमारा कम हो चुका है और दूध गाढ़ा भी हो चुका है। सारा मलाई हम इस तरह से इसमें डालते गए हैं। अब इसमें हम बादाम का जो पेस्ट बनाए थे उसको हम इसमें डालते हैं। बादाम का पेस्ट डाल दिए। अब इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह हम पका, चम्मच के लगभग दूध ले लिए हैं। इसमें हम 10 लच्छी के लगभग केसर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, लेकिन कटोरी में हम अलग से मिला रहे हैं ताकि अच्छी तरह से ये मिल जाए। 2-3 मिनट हम इसको पका लिए हैं। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं, लगभग 250 ग्राम के लगभग चीनी लिए हैं। उसको हम इसमें मिला देते हैं और इसको चलाते हुए चीनी को भी मिला लेते हैं। चीनी भी अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब ये जो हम कस्टर्ड पाउडर मिलाए थे दूध में उसको भी हम थोड़ा थोड़ा डाल के हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। एक बार नहीं डालेंगे, ये तो ज्यादा गाढ़ा नहीं हो सकता है, ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा देख मिलाएंगे, लगभग लगना सारा लग जाएगा। इसमें आप सारा डालते और इसे 2 मिनट तक उबाल के पका लेते हैं। अच्छा गाढ़ा भी हुआ है और एक अच्छा कलर भी आया है। अब इसमें हम ये जो केसर मिला के दूध रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देते हैं और सभी को साथ में चलाते हुए 2 से 3 मिनट और हम पका लेते हैं। देखिए हमारा बहुत सुंदर कलर भी आया है और अच्छा गाढ़ापन भी है, उबाल भी अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे डीप फ्रीजर में ठंडा होने के लिए 2-3 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 घंटा तक हम रख के फ्रिज में ठंडा कर लिए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर कलर, बहुत गाढ़ा नहीं है, मीडियम में चाहिए इस तरह से है। ये सब करते हैं, ग्लास लिए हैं, देखिए बहुत सुंदर केसर से भी बहुत अच्छा कलर आया है। कुछ ड्राई फ्रूट से हम इसको सजा लेते हैं। देखिए हम काजू डाले हैं, आपको पसंद हो तो आप उसका भी उसको भी डाल सकते हैं। बादाम मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है। आप इसे एक बार घर पर जरूर बनाएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।